सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई न्यू व्लॉग। ये होम व्लॉग गुड़गांव वाले घर का बनेगा। मैंने आप लोगों को बोला था पर उस टाइम थोड़े गेस्ट थे तो अभी खाली पड़ा है, तो मैं सोचा व्लॉग के साथ साथ होम टूर भी कर ले। तो अभी हम लोग नीचे से चालू करेंगे, कोशिश करूँगा सारे रूम को कवर करने की। तो लेट्स गो। तो इस विला का पहले पार्किंग एरिया में चलते हैं। तो यहाँ से पार्किंग एरिया है, यहाँ पे लगभग 3 गाड़ी पार्क हो जाती है और वहां से बैक एंट्री है। सो ये बैक एंट्री है, तो हम लोग चलते हैं मेन एंट्रेंस से। तो ये मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये है कि ये सारे विला के एलिगेशन सेम है। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हो सारे विला सेम है। और आइए और आप अंदर लेके चलते हैं। यहाँ पे सारे गार्डन्स में फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, तो आप देख सकते हो। यहाँ पे सिटिंग एरिया, अगर आप लोग सुबह सुबह चाय कॉफी पीना चाहो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, तो यहाँ पे आप पी सकते हो, आप काम भी कर सकते हो। अंदर चलते हैं। सो ये कुछ ऐसा लग रहा है। ये एंट्रेंस के साथ, ये एंट्रेंस से हम लोग घुसते ही ये स्टोर रूम है। यहाँ पे सब शूज वूज रखे, तो ये दिखाऊंगा। यहाँ पे ये कॉमन वॉशरूम है, तो आप देख लीजिए। और ये यहाँ पे लिविंग रूम, वहाँ पे डाइनिंग रूम और वहाँ पे फैमिली टाइम रूम, वो आप सब देखोगे अभी। सो ये हॉल है, हॉल का पॉश ये है, कुछ ऐसा पॉर्श है। यहाँ पे हम लोग झूला लगाने की सोच रहे हैं अभी, पर अभी लगा नहीं क्योंकि इंटीरियर अभी बाकी है। तो आप देख सकते हो कितना स्पेस है। आपको दिखाते हैं फैमिली का एरिया। तो ये फैमिली टाइम एरिया, यहाँ पे लंबा सा बड़ा सा टीवी लगा हुआ है और ये अपना नूडल द बॉस पे भी टीवी देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ तो किचन तो मैं भी नहीं दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा। उसके पहले ये वाला जो रूम आपको दिख रहा है वो मेरी बुआ का रूम है, तो आइए पहले उसमें चलते हैं। देखोगे इस तरह की है। So, ये है और इज माय एल्डर ब्रदर। सारे अवार्ड से जो मेरे भाई ने जीते हुए राघव ने, जो आपने देखा होगा राघव, तो वो जीता। इसकी भी आपको लाइटिंग दिखी थी।
अभी हम लोग जाएंगे बेसमेंट। बेसमेंट थोड़ा ख़राब है पहले ही बोलो, क्योंकि यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है तो सामान सारे नीचे रखे हुए हैं। ऐसा कुछ इतना बड़ा बेसमेंट है, हम यहाँ पे क्रिकेट खेल सकते हैं, हम लोग यहाँ पे जिम बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो जो हाउस पार्टी हुई थी वो यहीं पे हुई थी, यहाँ पे सारा खाना पीना होता था। तो अब यहाँ पे टेबल्स पड़ चुकी है क्योंकि अब हम लोग की ज़रूरत नहीं है उस टेबल की। तो ऐसा कुछ बेसमेंट है, वहाँ पे मैं पियानो भी सीख रहा था। तो आप आधा बेसमेंट कवर हुआ है और अगर है पूरा बेसमेंट, तो अपना बेसमेंट कवर हो गया, ग्राउंड फ्लोर कवर हो गया। अब हम लोग सीधा जाएंगे फर्स्ट फ्लोर। Heading towards first floor. So as you can see, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल ड्राइंग्स बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर से कुछ समझ नहीं आता। तो ये फर्स्ट फ्लोर का लाउंज यही है यहाँ पे, जो कि अभी खाली है, अभी तक पूरा इंटीरियर हुआ नहीं है, अभी पूरा इंटीरियर होगा। तो ये यहाँ पे लाउंज यही है, यहाँ का लाउंज एरिया। और यहाँ पे मंदिर है, आपको मंदिर दिखा देता हूँ, छोटा सा क्यूट सा मंदिर। तो आइए इधर का पहला रूम देखते हैं। सो ये फर्स्ट फ्लोर का फर्स्ट रूम, तो ये किड्स रूम है जैसे कि आप देख सकते हो। बहुत ही अच्छा इंटीरियर हुआ हुआ है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे शेल्फ्स हैं और यहाँ पे काफ़ी अच्छे शैंडेलियर्स और ये सब लाइटिंग बहुत अच्छे से किया हुआ है। और यहाँ पे स्टडी एरिया है, तो ये है यहाँ का फर्स्ट रूम। आपने देखा किड्स रूम, और मैंने जो आपको नीचे भैया दिखाए थे ये उनका रूम है। लेट्स गो। सो ये मास्टर बेडरूम है यहाँ का, काफ़ी मेरे को तो सबसे अच्छे ये लगे, काफ़ी बढ़िया लगते हैं ये रात को जगाने में और मत नहीं है। किंग साइज बेडरूम और यहाँ पे ये सब है, तो ये सब जगह के लिए अभी। और यहाँ पे ये वार्डरोब है, यहाँ पे सब है वॉकिंग वार्डरोब, इतना बड़ा सब मजा आ गया देखने से। यहाँ पे भी दो गेट हैं, एक यहाँ से घुसेंगे और एक यहाँ से एंटर या एग्जिट रूम में आप लोग बोल सकते हो। और ये यहाँ का बाथरूम, सो ये यहाँ का बाथरूम है, यहाँ पे जकूजी भी है, आपको जकूजी भी दिखाई देती है। सो ये है यहाँ का जकूजी। ड्रॉइंग्स।
सो ये यहाँ का सेकेंड फ्लोर है, यहाँ पे शायद से पहले है। सो ये सेकेंड फ्लोर का गेस्ट रूम है जिसमें हम लोग हैं। लेट्स गो। काफ़ी सिंपल इंटीरियर है इस रूम का, आप देख सकते हो। आपको हर रूम में गजब लाइटिंग मिलेगी मीन्स। और ये यहाँ पे वॉशरूम है, तो ये छोटा सा रूम था जो कवर हुआ। सो ये सेकंड फ्लोर का मास्टर से मास्टर रूम है, दो रूम को मिला के फिर एक बेडरूम है। तो आइए लेट्स गो। और ये रूम मेरे भैया के छोटे वाले भाई का जिनका नाम अपूर्व हर्ष है। चलिए लेट्स गो। सो ये योगा रूम है, काफ़ी सिंपल है अभी क्योंकि अभी इंटीरियर पूरा हुआ नहीं है, तो ये काइंड ऑफ योगा रूम बना हुआ है। आइए हम, आपको जैसे कि पता है कोविड के कारण वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ये मिनी ऑफिस है यहाँ का। यहाँ पे मिनी ऑफिस, आप चलते हैं बेडरूम की तरफ। सो ये है बेडरूम, यहाँ पे काफी मस्त लगता है सोने में, इतना अच्छा। और यहाँ का व्यू भी आप देखिए, तो ये यहाँ की बालकनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये M3M बिल्डिंग है, काफी अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। तो अभी ज़्यादा है नहीं और यहाँ पे मच्छर भी ज़्यादा है, तो हम लोग अंदर ही सेफ रहेंगे क्योंकि यहाँ पे ये भी लगा हुआ है, उधर भी सेफ रहेंगे। तो ये यहाँ की बालकनी, यहाँ पे मास्टर बेडरूम, किंग साइज बेड, काइंड ऑफ वॉकिंग वॉशरूम, और वहाँ पे वॉशरूम है जो मैं दिखाऊंगा। विला ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, मैंने आपको बेसमेंट दिखा दिया, ग्राउंड फ्लोर दिखा दिया, फर्स्ट फ्लोर दिखा दिया एंड सेकंड फ्लोर भी दिखा दिया, तो ऑलमोस्ट विला कवर हो चुका है। यहाँ की स्पेशल चीज़ ये है कि ये जो पूरी विलाज है ये इमार कंपनी ने बनाया है। इमार कंपनी वही जो टॉलेस्ट बिल्डिंग एवर बनाई हुई है बुर्ज खलीफा, जो कि दुबई में मौजूद है। यहाँ पे जो सारे विलाज हैं वो सेम स्ट्रक्चर और सेम टाइप के कलर के बनाए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे दुबई की वाइब देने के लिए ऐसा टाइप का बनाया गया है, और सही में 100% वर्थ इट है। मैं यहाँ पे एक हफ्ते से रुका हूँ और सही में मेरे को लग रहा है कि मैं दुबई में आया हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और आपको ये विला कैसा लगा कमेंट डाउन करिएगा। बाय।